की बड़ी खबर आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे को आज पूछताछ करने के लिए बुलाया जा सकता है। मुंबई पहुंची बिहार पुलिस छानबीन के लिए अंकिता का बयान दर्ज करवा सकती है। अंकिता ने खुद ही अपना बयान दर्ज करवाने की इच्छा जताई थी। सूत्रों का दावा है कि सुशांत के परिवार को अंकिता ने ही रिया और उनके रिश्तों के बीच जारी तनाव की जानकारी दी थी, जिसके बाद परिवार ने बिहार पुलिस से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। सुशांत की मौत के बाद अंकिता उनके परिवार से मिलने पटना भी गई थी। सूत्रों का ये भी दावा है कि इससे पहले अंकिता ने बिहार पुलिस को बताया रिया से जुड़े कुछ राज। दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, यानी अंकिता ने सुशांत के परिवार से ये सारी बातें शेयर की और उसके आधार पर उन्होंने जाकर शिकायत करा दी। जी, अंकिता लोखंडे जिस जब सुशांत की मौत हुई थी उसके बाद वो दो बार बिहार जा चुकी हैं। उस दौरान उन्होंने सुशांत की बहन जो श्वेता हैं इनके काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, काफ़ी अच्छी दोस्त हैं, और उस दौरान अंकिता लोखंडे ने ये सारी बातें जो हैं वो श्वेता से साझा की हुई थी। और ये भी बताया था कि सुशांत ने उन्हें मैसेज किया था मणिकर्णिका जब फिल्म आ रही थी अंकिता की, उस समय उन्होंने विश करने के लिए, और जब वो भावुक हुए और लंबा एक चैट का दौर चला उस दौरान ये सारी बातें सामने आई। तो वो जो चैट था वो परिवार जनों के साथ साझा किया गया था और परिवार के द्वारा ये बिहार पुलिस तक गया है। इस मामले में जिस तरह से अगर सुशांत ने रिया के बारे में बताया है कि वो उन्हें हैरेस कर रही थी, इस रिश्ते से वो खुश नहीं थे, तो ऐसे में बिहार पुलिस के लिए जांच की दिशा में एक एक बड़ा कदम होगा, बड़ा एविडेंस होगा, और उसको आधार बनाते हुए इस मामले में अंकिता लोखंडे का बयान दर्ज किया जा सकता है। और जहां तक जानकारी मिल रही है कि आज उनका बयान इस पूरे मामले में दर्ज किया जा सकता है। आपको बता दें कि जब ये FIR दर्ज हुई है तो FIR में जिस तरह के आरोप उनके सुशांत के पिता के सिंह के द्वारा रिया पर लगाए गए हैं, जिसमें 17 करोड़ में से 15 करोड़ की गायब होने की बात है, वह हैरेसमेंट से लेकर उन्हें बंधक बनाने और फॉर्जरी की बात सामने आई है, ऐसे में ये क्रूशियल एविडेंस माना जा सकता है और इसके आधार पर एक नई दिशा में जो जांच है वो आगे बढ़ेगी। हालांकि मुंबई पुलिस जिस तरह से अब तक जांच कर रही है वो अलग अलग सेलिब्रिटी से नेपोटिज्म और अन्य चीज़ों को लेकर बात चल रही है कि क्या उनसे फिल्में छीनी गई थी या नहीं छीनी गई थी, बॉलीवुड इंडस्ट्री उन्हें बायकॉट कर रही थी, कुछ लोग थे जो उन्हें टारगेट करने और घेरने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें हर तरह से नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे में अब जब रिया चक्रवर्ती के मामले में जब बिहार पुलिस यहाँ पर पहुँची हुई है तो अंकिता लोखंडे का बयान दर्ज कर सकती है, पहला। दूसरा, कल मीतू सिंह और उनके जो नौकर थे उसमें से एक नौकर का बयान बिहार पुलिस ने दर्ज कर लिया है। आपको बता दें ये सारे जो बयान दर्ज हो रहे हैं, बिहार पुलिस अपना बेस इस वक्त मजबूत कर रही है कि जो पीड़ित परिवार है या कहें कि पीड़ित के पिता हैं उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, ऐसे में सुशांत की तरफ से जो लोग हैं उनके बयान पहले दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि अभी आरोपी जिस तरह से रिया को बनाया गया है उनसे भी पूछताछ नहीं हुई है, उनसे बिहार पुलिस तब पूछताछ करना चाहती है जब उनके पास जी। दीपक, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।